ये रेडियो प्रोग्राम आपको ब्लू विंस की जानिब से आवाज CDS के तामुन से उजाला प्रोग्राम के जेरे तहत पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम में शामिल शुरका की जानिब से दी गई आरा उनकी जाती राय पर मबनी है। ब्लू विंस और आवाज CDS का उनकी राय से मुतफिक होना जरूरी नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पख्तूनख्वा रेडियो पेशावर के स्टूडियो से बराह रास्त आप प्रोग्राम सुन रहे हैं उजाला। ये खुसूसी प्रोग्राम है जो तरतीब दिया गया है COVID-19 के दौरान होने वाले समाजी मसाइल के हवाले से बातचीत करने के लिए और उनका हल तलाश करने के लिए। हम आपके साथ रहेंगे ठीक 12:35 तक और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह आज भी ये इस प्रोग्राम की तीसरी किस्त है और इसमें हम लोग आज बात करेंगे COVID-19 के दौरान हामला ख्वातीन और जो बच्चे हैं उनको पेश आने वाले मसाइल के हवाले से, क्या क्या मसाइल हैं जो उनको दरपेश आए और क्या उनका हल हो सकता है, अभी तक की क्या सूरत हाल है। इस हवाले से हमारे साथ आज स्टूडियोज में एक मेहमान भी मौजूद होंगे, गोहर जमान साहब जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं रहनुमा पाकिस्तान फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन के रीजनल डायरेक्टर हैं और उनके साथ हम आज इस मौजू के हवाले से बात करेंगे। अगर आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं 9214199 पे, इसके अलावा 8583 पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अगर मौजू के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल करना चाहें हमसे या हमारे मेहमान से तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आप हमारी ट्रांसमिशन देख सकते हैं, फेसबुक लाइव पख्तूनख्वा रेडियो के पेज से बराह रास्त। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और डायरेक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया गोहर जमान साहब, आप लोग आपने टाइम निकाला हमारे लिए और यहाँ पे आए। अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये एक वबाई ऐसी सूरत हाल है कि जो हम पहली मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो गोहर साहब जरा बताइएगा कि इस दौरान जो जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो कोरोना वायरस के पेशेंट्स को रिकवर करने के की तरफ लगी हुई थी, जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, तो ऐसे दौर में जो हामला खवातीन है और जो छोटे बच्चे हैं, आपके ख्याल में किन मसाइल का उनको सामना करना पड़ा है? सही, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें मौका दिया और हम अपने सामीन के साथ जो है ये बात शेयर कर सकें, ये सारे इन्फॉर्मेशंस जी। इस दौरान आपको पता है कि जब ये वबा आई तो हम जो है, क्योंकि इससे पहले हम तैयार नहीं थे जी, और हमारे मुल्क में जो है, बल्कि खसूसन हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में जो माँ और बच्चे के हवाले से जो हालात हैं वो पहले से भी जो है, क्या कहते हैं उसको, हम आइडियल सिचुएशन जिसको कहते हैं ना, उसमें नहीं थे लेकिन फिर भी बेहतर थे। और अगर हम तमाम इन मसाइल को देखें तो उस मसाइल को देखते हुए हमें जो है उस वक्त हम अपनी जो हमारी कारकर्दगी थी वो बेहतर थी जी जी। लेकिन जब ये COVID-19 जिसको हम कहते हैं, ये जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जब आ गया 19 के, COVID-19 जिसको हम कहते हैं, तो इसने वो सारे जो नॉर्मल सिचुएशन थी वो डिस्टर्ब्ड किया। वबा जब आ जाती है, कोई भी वबा जब आ जाती है, तो आपकी जो नॉर्मल सिचुएशन होती है वो डिस्टर्ब्ड कर जाती हैं और वो जो नॉर्मल हालात होते हैं वो नहीं रहते। तो माँ और बच्चे के हवाले से आपको पता है कि हम पहले ही से, हमारे यहाँ एक ये जहनीत है और हमारी ये एक साइकी है कि हम जो है, हमारे ग्रैंड मदर्स अपने बहू को कहते हैं कि ये जो है घर में ज्यादा सेफ्टी होती है बजाय इसके, मतलब ये एक आदत नहीं है कि हम जो है वो जो एंटीनेटल केयर होता है
वो करें। लेकिन इसके बावजूद भी हम थोड़ा सा जो पाकिस्तान हेल्थ डेमोग्राफिक सर्वे है उसके हवाले से भी बात करेंगे मुख्तलिफ, चूंकि इस प्रोग्राम के तहत हम सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे। जी जी। तो हमारे यहाँ हमारे सूबे में जो है क्या कहते हैं उसको इस हवाले से मसाइल तो थे लेकिन इतने नहीं थे जितने कि इस वबा के दौरान आए। और उस वबा में ये है कि जैसे हम अगर इसको रिलेट करें पाकिस्तान हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्वे से, तो हमारे यहाँ सिचुएशन ये थी कि तकरीबन 66% जिसको हम कहते हैं 66% ये हमारे डिलीवरीज जो है ये घरों पे नहीं होते थे, हमारे फैसिलिटीज पे होते थे, अस्पतालों में होते थे। अब अस्पतालों में जो है इस वबा की वजह से ओपीडीज तो हो गए बंद। जी। जब ओपीडीज बंद हो गए तो ये जो है चूंकि ये उसका एक टाइम पीरियड है 9 महीने, तो उस 9 महीने के दौरान जो है क्या कहते हैं उसको उन्होंने वेट नहीं करना होता, उसके ईडीडी जो एग्जैक्ट डिलीवरी डेट आ जाता है तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं उसको उस पे जाना होता है। जी। और वो जो खवातीन जो कि घरों में आदि हैं, जैसे हम कहते हैं कि 34% जो है वो अगर हम पीडीएचएस से रिलेट करते हैं ये आदि थे कि घरों में हो जाए तो वो तो ठीक है उसको नफसियाती, लेकिन वो खवातीन जो 66% जो फैसिलिटी में जाना चाहते थे और उसका एक इंटरनेशनल चेकअप जो है वो 9 महीने के दौरान जो जारी था वो मुतासिर हो गया। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी जो है क्या कहते हैं उसको लोगों में खौफ हरास जी के मुख्तलिफ किस्म की कहानियां जो है ये हमारे यहाँ जो है वो चलती रही सोशल मीडिया पे और लोगों से। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो मनफी बातें होती है वो बहुत जल्द जो है सोसाइटी में फैल जाती है। पॉजिटिव के लिए अगर कोई भी आप पॉजिटिव बात करें तो हम इकट्ठे नहीं होते, लेकिन नेगेटिव पे हम फौरन इकट्ठे हो जाते हैं। ये हमारे एक सोसाइटी में एक मसला है। तो इस किस्म की बातें जो है एक से दूसरे दूसरे से, तो कोरोना वबा से ज्यादा जो है ये नेगेटिव वादे जल्दी फैल गई। तो गुलर साहब आपके कहने के मुताबिक जो आखिरी 3 महीनों में जो हमला खवातीन का चेकअप है वो एक सिलसिला इससे मुतासिर हुआ, आपके ख्याल में जो जचकी के मसाइल हैं यानी डिलीवरी का जो टाइम है आपके हिसाब से उनमें एक किस किस्म के मसाइल देखने में सामने आए हैं? जी बिल्कुल। देखिए, एक तो नॉर्मल डिलीवरीज है जी, दूसरी ये है कि जिसमें कुछ मसाइल कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं तो जैसे हम सॉरी इसमें जो रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जो आउटलेट्स हैं जी, अब उस पे जो है अगर गवर्नमेंट साइड पे ओपीडीज बंद भी थे तो रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जो है पूरी थ्रू पाकिस्तान इंक्लूडिंग AJK इन गिलगित बल्तिस्तान इनके आउटलेट्स हैं, सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स हैं, उस पे जब गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटीज जो है ओपीडीज बंद हो गए तो उस पे पेशेंट का रश ज्यादा हो गया। यहाँ हमारे यहाँ गुलबहार में रोहानापुर हॉस्पिटल है, उस पे अगर नॉर्मली हमारे जो मरीज थे वो क्लाइंट हेल्थ थे वो अगर 100 आते थे तो आजकल जो है वो 150 to 200 आते हैं, मतलब कि 150 से 200 तक आते। उसकी वजह यही है कि लोग सर्विसेज चाहते थे, लोग सर्विसेज जो है क्या कहते हैं अवाइल मतलब उसको लेना चाहते थे लेकिन ये कि उनको अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो उस लिहाज से जो है उन्होंने जाके बाकी जो प्राइवेट जगह थी तो वहां जाके और सर्विसेज ले ली। और हमें भी क्या कहते हैं उसको, लेकिन हुकूमत ने भी ये चीज जो है डिलीवरी रूल्स जो है वो बंद नहीं थे, सिर्फ ओपीडीज होते, इमरजेंसी वो डील करते होते थे। सिर्फ अगर मैं हम ये बात कर लें, अभी हम स्पेसिफिकली अगर अपने पेशावर की बात करें तो यहाँ LRH हमारा मेन हब है और LRH के हवाले से जो है गैनी वार्ड का आपको पता है कि वो सारा यकदम अखबार में भी आ गया, लोगों में भी खौफ रास हो गई। तो वो खवातीन को जो नॉर्मल सर्विसेज को जो चाहिए थे जो कि बड़े आम हालात में बड़े आसानी से मिल सकते थे वो खौफ हरास की वजह से वो जाना नहीं चाहते थे जी। और उसी वजह से जो है उनके मसाइल ज्यादा आ गए। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है हम चूंकि तरक्की पजीर मुल्क हैं, मतलब है कि वो तरक्की याफ्ता नहीं है, तो हमारे यहाँ जो है हम जब उसके बात करेंगे माँ और बच्चे की सेहत की डिटेल में तो हम उसमें ये भी देखेंगे कि हमारे यहाँ जो है इसमें शराय अमवात कितनी है जी, बच्चों में जो under 5 है उनमें कितनी है, और फिर हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं उसको माओं की अमवात कितनी है जिचकी की हालत में, तो वो भी सिचुएशन कोई इतनी बेहतर नहीं है। ठीक है, हाँ जी गुमर साहब उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। सुनने वालों को देखने वालों को बताते चले कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं उजाला और ये खसूसी प्रोग्राम है जो तरतीब दिया गया है कोविड 19 के दौरान होने वाले जो समाजी मसाइल हैं उनके हवाले से बातचीत करने के लिए और
उनका कुछ हल ढूंढने के लिए आज हम अपने प्रोग्राम में हामला खवातीन और जो नौजायदा बच्चे हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं, उनकी सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं कि कोविड 19 में वो किस तरह से मुतासर हुए हैं। गौर साहब, आपने बात की है जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी तक सामने आई हैं, ठीक है। सो इस टाइम पे आगाही ऐसी खवातीन तक पहुंचाना ये बहुत ज्यादा जरूरी था। एग्जैक्टली exactly. आपके ख्याल में आगाही किस हद तक पहुंची है, हमारी जो खवातीन है वो किस हद तक कोरोना वायरस के हवाले से मालूमात तक रसाई उनको मिली है? जी हाँ, बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात सही है। अगर मैं हुकूमत के हवाले से भी आपसे बात करूंगा कि उन्होंने इस हवाले से क्या इकदाम किए, और हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रहनुमा फिल्म प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान स्पेसिफिकली, क्योंकि हम जिनसी तुलीदी सेहत के लिए हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, ब्रॉडर हमारा जो विजन है और हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो जिनसी तुलीदी सेहत है बुनियादी तौर पर माँ और बच्चे की सेहत के लिए। तो हम जो हमारे हैं, एक तो ये है कि हमारे जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारे यहाँ यहाँ प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस है, पहले तो 5 रीजन्स हैं जी, जिसमें हमारे 4 प्रोविंशियल हैं और बिग रीजनल ऑफिस जिसमें पूरा सेटअप इंक्लूडिंग टेक्निकल डॉक्टर्स जो है वो एक रिस्पांस के लिए रेडी बैठे होते हैं, और हमारे जितना स्टाफ है वो मिनिमम इनिशियल सर्विसेज पैकेज जो कि इमरजेंसी में रिस्पांस देते हैं, किसी भी इमरजेंसी में रिस्पांस, चाहे वो सैलाब के जदगान के लिए हो, चाहे वो कि माइग्रेटेड इंटरनल IDPs हो, चाहे ये इस किस्म की जो अभी वबाई है इसके लिए हो, तो वो हमारे डॉक्टर्स ट्रेंड होते हैं जी। और वो ट्रेंड डॉक्टर्स हमारे जो है क्या कहते हैं उसको, इस तरह की रिस्पांस हमारे बाकायदा सर्विसेज डिलीवरी पॉइंट्स हैं जिसमें हमारे जो है, अगर हम सिर्फ बाकी पूरे पाकिस्तान की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेटअप है, मैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं कि हमारे यहाँ 5 जो है, एक जो हमारा रीजन है खैबर पख्तूनख्वा, उसके अंडर 4 प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिसेज है जी, और उस 4 प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिसेज में हमारे पेशावर एक प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस है। अच्छा। एक उसके साथ जो है क्या कहते हैं उसको मर्दान है, हरिपुर में है जो कि नॉर्थ में है, और कुहाट में हमारे साउथ में है। तो ये उसके अंडर जो है क्या कहते हैं जनाना हॉस्पिटल जो कुहाट में है, संगीर जो गवर्नमेंट की ही डोनेटेड प्लेस है जो कि सिविल सोसाइटी को दी गई है, वी थैंक द जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम थैंक्स अदा करते हैं कि उन्होंने हमें वो जगह दी हुई है और उसमें हम सर्विसेज दे रहे हैं उसी जगह से, यही जो है माँ और बच्चे की सेहत के लिए। और इसके अलावा जो है हमारे जो IPPF है, इंटरनेशनल प्लानड पेरेंटहुड फेडरेशन, वो इसमें सपोर्ट करते हैं कि हमारे ये जो सर्विसेज डिलीवरी पॉइंट्स है जो कि कम्युनिटी लेवल पे बेसिक वो है जो कि रिस्पांस देते हैं इसी माँ बच्चे की सेहत के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये हमारे थ्रू द KP जो है वो 3 बिग हॉस्पिटल्स हैं, और जिसमें हम मेरिन रोखानापुर का भी जिक्र किया, संगीड़ हॉस्पिटल कुहाट का भी जिक्र, और इसके अलावा मॉडल हेल्थ क्लिनिक्स हैं MFHCs जिसको हम कहते हैं, तो ये हमारे नौशहरा में भी है, चारसदा में भी है, पिशावर में भी है, कुहाट में भी है, हरिपुर में भी है, मर्दान में भी है, और इससे मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं साथ उसको कवर करते हैं। ठीक है, आपने बात की है अपनी फैसिलिटीज के हवाले से कि कहां कहां पे आप प्रोवाइड करते हैं, बाकी वापस मैं अपने सवाल पे आती हूं कि क्या आपकी ही जो तंजीम है, ठीक है, उन्होंने आगाही के हवाले से कोई काम किया है स्पेशली जो हमला खवातीन है उनके हवाले से? तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पे मैं आ रहा था कि ये जो हमारे सर्विसेज आउटलेट्स हैं इसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स भी हैं जी, ताकि वो जो है क्या कहते हैं उसको इस किस्म की जो काउंसलिंग है वो एड्रेस कर सके इश्यूज, और दूसरा इसके अलावा जो है क्या कहते हैं उसको ये सर्विसेज के आवाम में आगाही पैदा करें, और साथ जो मैसेजेस हैं वो बाकायदा हमारे एक एडवोकेसी यूनिट है कि उन्होंने आगे क्या ट्रांसफर करना है, उन्होंने आगे क्या मैसेज देनी है। तो हमारे बल्कि इससे पहले जो है नबीला हुआ करती थी जो कि डायरेक्टर एडवोकेसी थी, आजकल साइमा साहिबा है जो कि लाहौर में होती है, और उससे हम बाकायदा डायरेक्शन लेते हैं कि ये मैसेजेस जो है, तो हमारे ना सिर्फ आगाही के लिए मैसेजेस रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे देते हैं, बल्कि इसमें जो है जो ट्रेनिंग्स हैं वर्चुअल ट्रेनिंग्स जो है वो कंडक्ट करवाते हैं अपने जो सर्विसेज हमारे प्रोवाइडर्स हैं उनकी, और दूसरा इसके अलावा PPE पर्सनल प्रोटेक्शन जो उनकी वो है इक्विपमेंट्स हैं वो उनको मतलब प्रोवाइड की गई हैं,
और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं उसको, उनको जो टीवी और रेडियो प्रोग्राम्स है वो भी हमारे कंटिन्यूस इसी का चीज का हिस्सा है ताकि आवाम में जो है ये मालूमात हम पहुंचाया जा सके। बहुत शुक्रिया गुहर साहब। सुनने वालों को बताते चले कि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उजाला, और ये प्रोग्राम स्पेशली तरतीब दिया गया है कोविड 19 के दौरान होने वाले समाजी मसाइल के हवाले से बातचीत करने के लिए। और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हामला खवातीन और नौजायदा बच्चों की सेहत के हवाले से कि वो किस तरह मुतासर हुई है कोविड 19 के दौरान। अच्छा, मुझे ये बताइएगा गौहर साहब कि ये इस सारी सिचुएशन के दौरान हम लोगों ने देखा कि कुछ घरेलू तशद्दुद के भी वाकयात सामने आए हैं, अगर इस हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, स्पेशली इससे जो हामला खवातीन है वो किस हद तक मुतासर हुई हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये आपको पता है कि जो पहला सिचुएशन इसी में हमारा जो हालत है इस वक्त वो भी कितना आइडियल नहीं है। यूएन का जो एक सर्वे है उसके मुताबिक जो है 70% हमारे यहाँ ये गर्म, चूंकि घरेलू तशद्दुद को अगर हम किसी से डिस्कस करते हैं तो वो उसको अपना घरेलू अंदर का मामला समझते हैं ये लोग, कि ये हमारा घर का दरमियान घर के अंदरूनी मामला है, लिहाजा इसको हम बाहर, और ये हमारा एक कल्चर भी है कि हम भी जब अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं तो साथ ये कहते हैं कि किसी को नहीं बताना, तो ये एक हमारा एक कल्चरली इशू भी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो ये जो अभी जो कोविड 19 के हवाले से अगर हम देखें तो एक स्ट्रेस भी है, एक नफसियाती जो है प्रेशर भी है, दूसरी ये कि हम इकोनॉमिकली भी इतने वेल ऑफ नहीं है। तो ना सिर्फ जो है क्या कहते हैं उसको गुर्बत की वजह से, बल्कि हमारे जो इंटरनल, चूंकि अब हम घरों में बंद हो गए तो घरों में बंद होने के साथ जो है क्या कहते हैं उसको कोई एक्टिविटी ऐसे है नहीं, तो अब जो है इसमें और आपको पता है कि इसके हमारे कल्चरली जो है तो ये जो घरेलू तशद्दुद ये बढ़ चुका है। तो पहले तो हमारे ऑलरेडी जो सिचुएशन है वो 70% थे, तो अब जो है ये जो मैं बहुत कम एग्जेजरेटेड फिगर नहीं बहुत कम फिगर बता रहा हूँ। अच्छा, तो बल्कि मैं यूएनएफपीए की एक नुमाइंदे से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आपके केपी में ये जो है ये 90% है। अच्छा, तो मैंने कहा ये आपके साथ कोई फिक्स फिगर, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये अगर आप रिकॉर्डेड फिगर नहीं है ये मैं अपने आप से, तो मैंने कहा अपने आप से तो बात ना करें, ये हमें कोई ऐसे फिगर बताएं जिसके बेस हो, आप बेस पे बात करें, लेकिन उसके पास जो बेस थी वो यूएन 70% उसने बता रहे थे। ठीक है, इस किस्म की निशाने तो हमारे यहाँ जो इश्यूज हैं, और दूसरे ये कि हमारे एजुकेशन का भी जो मसला है कि हमारे यहाँ जो है एजुकेशन का रेशो बहुत कम है, जिसकी वजह से ये तशद्दुद जो है ये मर्दानगी का जो हम एक एलिमेंट समझते हैं कि ख्वातीन बेचारों पे जो है जो जुर्म कर रहे हैं ये इसको हम मर्दानगी, एक पैट्रिलिनियल सोसाइटी है। बिल्कुल, तो इसको अगर गौहर साहब हम लोग रिलेट करते हैं हमला ख्वातीन के साथ कि तशद्दुद का जो असर है वो उनकी जचगी पे और उस मरहले पे कितना असरअंदाज होता है, उस हवाले से बताइएगा। देखें ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है ये 9 months के, उनको स्पेशल केयर खुराक के हवाले से चाहिए जी, उसको जहन सोशल जिसको उसको होते वो जो उसकी जहनी वो है उसमें भी चाहिए होती है, और साथ साथ जो है क्या कहते हैं उसको उनको ऐसे कि उनसे मतलब है कि वो मेहनत वाला काम भी ना लिया जाए जी। तो ये तीन पॉइंटों को अगर हम उठा लें तो हमारे यहाँ जहाँ इकोनॉमिकल इश्यूज है वहाँ जो है वो उस बेचारी ने घर का काम भी करना है, उसको अच्छी खुराक भी मुयसर नहीं है, और उनको जो है बात बात पे सुनाना भी है, आपको पता है हमारे यहाँ एक ये इशू है, तो ये एक आइडियल सिचुएशन बिल्कुल ही नहीं है, और उसमें तशद्दुद डेफिनेटली बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो है वो तो जाहिर है आपको पता है। तो ये एक घरेलू तशद्दुद की जो हम बात करते हैं ये इशूज बढ़ गए हैं, तलाक की भी आप देखें, अभी हमारे पास एक इस बेस पे कोई सर्विस है ही नहीं है, लेकिन हाँ हो जाएगा, लेकिन ये नजर आता है। ठीक है गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रोग्राम उजाला में आज हम बात कर रहे हैं हामला खवातीन और नौजायदा बच्चों के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से कोविड 19 के दौरान किस किस किस्म के मसाइल उनके सामने आए हैं। गौहर साहब बताइएगा कि जो आगाही मुहिम जितनी भी अभी तक हम लोग देख रहे हैं, आपके ख्याल में जो हामला खवातीन और नौजायदा बच्चे हैं उनके उनको मद्देनजर रखा गया है आगाही जो मुहिम कोविड 19 के लिए अभी तक जो तरतीब दी गई है उसमें इस तबके को रखा गया है नजर में, अगर हाँ तो इसके अगर असरात हैं तो वो भी हमें बताइएगा। देखिए जय, मैं दो एस्पेक्ट पे बात करूंगा, एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के काम के हवाले से कि वो क्या कर रहे हैं, और दूसरी ये कि हमारे गवर्नमेंट की सिचुएशन क्या कहती है। जी सबसे पहले मैं गवर्नमेंट की बात करूंगा क्योंकि गवर्नमेंट हमारा जो है वो मेन स्टेक होल्डर है और उसी काम को लीड करते हैं जी। इस हवाले से
पिछले ही हफ्ते मेरी मीटिंग हुई थी उनसे, जो है साहिब गुल साहब हैं जो कि डायरेक्टर MNCH हैं और डिप्टी डायरेक्टर तनवीरी नाम साहब। अच्छा, उनके साथ एक रेफरल MOU हमने साइन किया और उन्होंने मुझे जिक्र इस बात की भी की कि सोशल वेलफेयर के साथ एक उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन में जो है एक बोलो हेल्पलाइन जो है जो कि जिसका वो जो है वो ऑलरेडी ब्रोशर मेरे साथ शेयर कर चुके हैं और उसमें वो बता चुके हैं इसके कि ये जो है बोलो हेल्पलाइन के जरिए भी माँ बच्चे के हवाले से वो मालूमात हासिल कर सकते हैं अगर किसी को अवेलेबल, तो ये सोशल वेलफेयर की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की हेल्पलाइन जो 24 आवर्स जो है थ्रू पाकिस्तान एक्टिव है और उसमें वो इन्फॉर्मेशन देते हैं ना सिर्फ माँ और बच्चे के हवाले से बल्कि जवानों के हवाले से भी, उनके इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड टू वो जो है क्या कहते हैं उसको जिंसी तुलुदी सेहत है तो उसके बारे में भी जी इन्फॉर्मेशन वो देते हैं और उनके बारे में जो भी मालूमात और आगाही जो चाहिए होती है वो उस क्वेश्चन के मुताबिक उस तरह से वो बिल्कुल प्राइवेसी में एड्रेस करते हैं इस सारे सूरत हाल को। ठीक है गौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा था गुज़िश्ता दिनों, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर कोई खातून या फिर कोई बच्चा कोरोना वायरस का शिकार होता है और तो क्या इस सूरत हाल में माँ बच्चे को दूध पिला सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे बहुत ज्यादा डिबेट हुई है, तो मैं ये मौका जरा अवेल करना चाहूंगी ये अपॉर्चुनिटी की आपसे ये पूछूं। जी जी, थैंक यू फॉर द वेरी नाइस क्वेश्चन। जी देखें, अगर हम कोरोना की बात करें तो फैलता किस तरह है? जी, नन्ने कतरे, जिसकी वो मैसेज भी एक फोन के वजह से आता है। जी, तो वो नन्ने कतरे जो है वो उससे बचने के लिए जो है आपके हैंड वॉशिंग है, मतलब हाथ धोना जो है, जब बच्चे को दूध पिलाने से पहले खूब हाथ धो लें। दूसरी ये है कि उस दौरान जो मैंने एक चीज जो मैं देख रहा हूं और मैं बहुत सारे मैसेज में ये मिसिंग है, वो ये कि उस दौरान वो गुफ्तगू ना करें, जब दूध पिला रही हूं तो गुफ्तगू ना करें, क्योंकि ड्रॉपलेट्स जो है एक अंदाजे के मुताबिक जो है एक बात से 200 कतरे निकलते हैं, ये अंदाजे के मुताबिक। अच्छा। ये डॉक्टर्स की राय है, डॉक्टर एहसान उस वक्त बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि 200 कतरे एक बात से निकलती है, अगर हम पांच बातें भी उस वक्त करें तो समझो कि 1000 कतरे, और अगर स्नीजिंग करें तो फिर हजारों कतरे। तो उस वक्त वो खामोशी से पिलाएं, बाकायदा जो SOPs हैं उसके तहत हाथ धोएं और उसके मास्क और उसका जो है वो सारी चीजें कवर करके, सोशल डिस्टेंसिंग तो उसमें मुमकिन नहीं है, बच्चे को दूध पिलाना है तो लिहाजा वो बाकी जो चीजें हैं उस पे अमल करें और वो बिल्कुल पिला सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है और माशाल्लाह उसमें जो है क्या कहते हैं उसको ये एक जहन में एक चीज है कि उसको ट्रांसफर हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है, दूध पिला सकती है और बड़ी बड़ी जो है क्या कहते हैं उसको सेफ साइड पे है ये चीज, बस सिर्फ ये है कि उस दौरान गुफ्तगू ना करें। और अगर बच्चा इन्फेक्टेड हो तो उस दौरान किस किस्म की एहतियात जरूरी होगी? एग्जैक्टली, अगर वो भी है तो उस तरह जो है उसी वक्त भी आप ये करें कि वो जो है अपनी लिए जो है, क्योंकि वो सारा मास्क लेना और वो गुफ्तगू और सारी यही सेफ्टी व्यूज जो है वो आपके लिए भी है, डजंट मीन दैट कि वो सिर्फ आप उनको सेफ करें, वो आपको जो और ऑटोमेटिकली जो है वो आपने ही करना है क्योंकि वो बच्चा है, बिल्कुल, तो अगर आपको फॉलो करेंगे उस पीस को तो मैं उसमें कोई इशू नहीं है और बड़े आसानी से जो है ये चीज हो सकती है, ठीक है, और उसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। सो सुनने वालों को बताने चले, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा कम रह गया हमारे पास, तो ये बताने चले आपको कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जाला और ये खसूसी तौर पर तरतीब दिया गया है COVID-19 के दौरान होने वाले जो समाजी मसाइल हैं उनके हवाले से बातचीत करने के लिए और उन मसाइल का हल तलाश करने के लिए। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे हामला खवातीन और जो नौमौलूद बच्चे हैं उनको क्या क्या मसाइल पेश आए हैं उस हवाले से, और ये प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं पुख्तनख्वा रेडियो पेशावर के स्टूडियो से बराह रास्त। गोहर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एहतियात की जहां बात होती है, अब चूंकि COVID-19 अब इस तरह से है कि ये बातें भी सुनने में आ रही हैं कि इसका दौरानिया थोड़ा तवील होने वाला है और हमें इसके साथ किसी न किसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ऐसी सूरत हाल में जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं, हामला जो माएं हैं और जो नौमौलूद बच्चे हैं, उनके लिए एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए जो कि वो फ्यूचर में फॉलो करें? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल क्लियरली हमारे मैसेजेस जो है वो सबके सामने हैं और हम आगाही प्रोग्राम में भी यही बताते हैं, मैसेजेस में भी यही बताते हैं कि देखें, एक तो जो हुजूम वाली एरिया है उसमें जो है जाने से गुरेज करें, और अगर आप बहुत ज़रूरत के तहत निकलें भी
तो जाके जो है अपना मास्क जो है और ऐसे अपने आप को जो जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग है कम जो कम WHO के मतलब कम से कम 6 फीट है, 6 फीट है इन्हें 2 गज, तो उनको जो है वो देख लें कि ताकि वो आपको जो नन्हे कतरे हैं दूसरों के वो आप तक ना पहुंच सकते और नहीं, क्योंकि जब हम इस बीमारी की बात इस पेंडेमिक की बात कर रहे हैं COVID-19 की, तो ये जो है ड्रॉपलेट्स के जरिए जो है नन्हे कतरों के जरिए, तो आपकी अगर डिस्टेंसिंग हो तो आप जो है क्या कहते हैं एक तो ये एहतियात करनी चाहिए, दूसरी ये कि मास्क लेना चाहिए और दूसरी कि बिला जरूरत जो है वो नहीं लगना चाहिए। और आपको पता है कि ये जो है हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द खत्म होगी, क्योंकि जिन लोगों में कुव्वत मुदाफियत जो है वो डेवलप हो जाती है जिसको हम IgG एंड EGM कहते हैं, जब वो डेवलप हो जाती है तो इंशाल्लाह जो है ये ऑटोमेटिकली जो है ये खत्म हो जाएगा। और बाकी रही जो है क्या कहते हैं कंटिन्यूटी की, तो ये जो कि इसके ट्रांसफर जो है वो ड्रॉपलेट्स के जरिए, तो ये एहतियात जो है जो चाहे हम मास्क की बात कर रहे हैं, चाहे हम जो है क्या कहते हैं उसको हाथ धोने की बात कर रहे हैं या बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, अगर इसको फॉलो करें तो हम इसमें जो है वो करेंगे, ठीक है। और स्पेशली इस पीरियड में तो बहुत जरूरी है ये जो 9 दिन जी, ये जो जितने भी आपने SOPs बताए ये हुकूमत के वही तय करता SOPs हैं जिनके बारे में हम लोग सुनते रहते हैं और सेम अप्लाई होते हैं हमला खवातीन और मौलूद बच्चों के हवाले से भी। अच्छा मुझे ये बताइएगा अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात करें तो कोरोना वबाई सूरत हाल को देखते हुए जो शादीशुदा अफराद हैं उनके लिए आप क्या एहतियात तजवीज करेंगे? अच्छा तो यही है कि उसके जो है वो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे यहाँ जो एक बाकायदा उनके लिए जो है चॉइस दी गई है जी। उस चॉइस के मुताबिक जो है वो खुद चॉइस करें और वो इन सर्विसेज डिलीवरी जो कि 24 आवर्स जो है वो इनको सर्विसेज दे सकते हैं, हमारे जो यूथ हेल्प लाइन है उसमें भी ये सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो उसमें भी से ये सर्विस हासिल कर सकते हैं। और ये हमारे जो बल्कि हमारे साथ पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है वो भी ये सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी भी एक्टिव है ये सारे सर्विसेज डिलीवरी ऑन फील्ड लेवल पे। और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की पॉपुलेशन की और रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की इसमें बहुत जबरदस्त किस्म की कोऑर्डिनेशन है और हमारी वर्चुअल मीटिंग्स जो है अभी भी होती हैं। लास्ट डे भी हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सैयद कमाल शाह साहब जो कि फैमिली प्लानिंग को लीड करते हैं, उन्होंने बताया कि ये जो वर्चुअल मीटिंग्स हैं ये बहुत अच्छा तरीका है एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन और सेफ साइड है जी, तो हमारे लिए भी सेफ और दूसरों के लिए भी सेफ, तो ये इसको कंटिन्यूटी जो है प्रोग्राम्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है हम कोऑर्डिनेशन में करें। और हमने बाकायदा इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ MOUs भी साइन किए हुए हैं। ठीक है, एहतियात के हवाले से आप बात कर रहे हैं और इनिशिएटिव्स भी आप बता रहे हैं जो कि काफी मुफीद हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस सिचुएशन के दौरान जो बच्चों की पैदाइश के दरमियान वक्फा है उसको आप किस नजर से देखते हैं? उसमें मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिसमें जो परमानेंट मेथड्स भी हैं और टेम्परेरी मेथड्स भी हैं, जो बंदे की चॉइस है जैसे कहें उसको जो है क्या कहते हैं उसको, बल्कि अब तो जो है समझे कि रिवर्सिबल मेथड्स हैं सारे जी। अब तो परमानेंट मेथड वाली है ही नहीं, जब आप चाहें बच्चे जो है क्या कहते हैं उसको प्रेगनेंट मतलब वो प्रेगनेंसी हो सकती है और जब आप चाहें ड्रॉप हो सकती है। ये स्पेशली मैं बात कर रही हूँ कोविड के दौरान की जो सिचुएशन है इसमें, ताकि एहतियाती तदाबीर भी मद्देनजर रखी जाए और बिल्कुल टेम्परेरी मेथड्स हैं और उसके चॉइस के मुताबिक हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बड़े आराम से वो कर सकते होते हैं और उनकी जो है क्या कहते हैं बहुत प्राइवेसी में उनको प्रहम की जा सकती है। ठीक है, आखिर में अगर चलते चलते गौहर साहब आप कोई एक मैसेज देना चाहें उन तमाम खवातीन को जो के हामला खवातीन है और वो बच्चे जो कि मौलूद हैं उनके पेरेंट्स को, स्पेशली अगर हम खवातीन हामला खवातीन और बच्चों की बात करते हैं तो इसमें जो फादर का किरदार है जो बाप का किरदार है वो भी अहम है, तो इस हवाले से भी अगर कोई पैगाम देना चाहें आखिर में लोगों को? मैं यही कहूंगा हमारे यहाँ चूंकि आपको पता है कि यहाँ जो है क्या कहते हैं उसको कल्चर से अगर हम रिलेट करते हैं तो एज सच कुछ इतने अच्छे नाताइज नहीं, लेकिन हम अगर एजुकेटेड तबके की बात करें और हमारे यहाँ जो है अगर हम ये कहें कि अवेयर तबके की बात करें और दूसरे कि हम कहते हैं कि हम बहैसियत मुसलमान दिल में हम एक रहम की बात करें, तो गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों को जो है अपना घर चलाना है, तो कोई भी अगर टायर पंचर हो तो ये मुश्किल हो जाएगा कि गाड़ी को चला मतलब आगे बढ़े, तो लिहाजा मैं बहैसियत फादर जो है और बहैसियत जो है हस्बैंड और बहैसियत एक बाप जो है अपने बच्चों के और अपने बाकी सबको मैसेज यही दूंगा कि हमेशा जो है एक दूसरे को बर्दाश्त करें और इसी बर्दाश्त के मादे के साथ एक दूसरे के साथ जो है मदद करें और उसी के साथ बहुत सारी खुशियां आपको मिलेंगी। बहुत छोटे छोटे काम जो आप घर में करते होते हैं हाथ बटाते हैं तो आप एक दूसरे, मैं खुद भी करता हूं जी, तो इसमें जो है कोई कबाहत नहीं है और मेरे ख्याल में हर
रात के बाद एक उजाला दिन आता है और इंशाल्लाह ये दिन बहुत करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया सो गुहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप आए, आपने बहुत अच्छी मालूमात फराहम की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने बात की है आज हामला खवातीन और नौमौलूद बच्चों के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, कोविड 19 के दौरान किस तरह से मुतासिर हुए हैं और उनके मसाइल का हल क्या है। लेकिन जितनी भी डिस्कशन हम लोगों ने की है उससे हम लोगों ने यही नतीजा अखज किया है कि आप के इर्द गिर्द जो भी कीमती रिश्ते हैं उनको आप जितना संभाल के रखेंगे, जितनी उनकी केयर करेंगे, उतना ही ज्यादा वो फलेंगे फूलेंगे। अगले प्रोग्राम में हम लोग दोबारा किसी और टॉपिक के साथ जरूर हाजिर होंगे और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।